प्लेक्सस चक्र, इसका प्लैनेट कौन है? मंगल। सोलर प्लेक्सस बहुत मेजरली सारे ही चक्रास के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमारा इमोशंस यहीं से उत्पत्ति होती है, इट्स इमोशनल चक्र। और बहुत बारी इसमें नेगेटिव इमोशंस बहुत जमा होते हैं, क्योंकि वी आर यूज्ड टू ना, पहले नेगेटिव इमोशंस ही आते हैं दिमाग में, तो मेरा काम नहीं होगा, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मेरा बॉस आज गुस्से में होगा, है ना। कुछ भी हो, हम लोग वी आर यूज टू नेगेटिव सोचने का। तो वो चक्रा कौन है? सोलर प्लेक्सस। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इमोशन है वो है गुस्सा। एंगर बहुत होता है, लिवर तभी खराब होता है जब एंगर बहुत जमा हो जाता है। एंगर टुवर्ड्स सेल्फ, फर्स्ट जो भी इमोशन है वो पहले अपने ऊपर अप्लाई करें, मैं नहीं कर पाई इसलिए मैं आज ऐसी हूँ करके बहुत होता है। बट हम ब्लेम गेम तो बहुत अच्छे से खेलते हैं, है ना। बच्चा पैदा हो गया इसलिए मैं काम पे नहीं जा पाई, मेरे को ऑफिस छोड़ना पड़ा। ये कितने लड़कियों का है, फैमिली वे में आके मैंने अपने करियर छोड़ दिया। दिस इज अ वेरी बिग इमोशन फॉर मेजरली फॉर लेडीज, राइट। अगर उसके बाद भी अगर काम करने लगे तो भी उसके आगे भी बहुत इमोशंस हैं कि मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं और ये भी करूं, राइट। सो ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस कौन केटर करता है इन सबको? सोलर प्लेक्सस। व्हाई? मंगल, मार्स जब आपकी कुंडली में ज्यादा होता है, स्पेशली लग्न में होता है या कई कई पोजीशंस है होता है, तो गुस्सा बहुत आता है उनको। मंगल जो है गुस्से का कारक है, उसको बोलते हैं ना रेड प्लैनेट, गुस्सा गुस्सा उसी से आता है। और मंगल इज भूमि कारक, मंगल का जो उत्पत्ति है, जो बर्थ है, वो भूमि से हुआ है। तो जब भी कोई लैंड रिलेटेड थिंग, प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग है, सेल या रेंट पे, मतलब किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी या जैसा भी लेन देन होता है, वो मंगल से ही शुरू होता है, क्योंकि भूमि का कारण है, ठीक है। और बहुत लोगों का होता है अपने सिबलिंग से बनता नहीं है, छोटे भाई, छोटा, जो भी छोटा होता है घर पे, वो मंगल मंगल उसको दर्शाता है। अगर मंगल ठीक ना हो, कंबस्ट हो, कंबस्ट मतलब जब सूर्य के बहुत पास डिग्री में चला जाता है तो वो जल जाता है बेसिकली। कोई भी सूर्य के पास जाएगा तो जलेगा ही ना वो। तो कभी भी प्लैनेट का एक पोजीशन होता है, उस प्लैनेट का पोजीशन अगर सन के पास जब ज्यादा चला जाता है तो वो कंबस्ट बोलते हैं उसको, मतलब बेसिकली नॉर्मल टर्म में बोलूं तो जल जाता है। तो जब कोई, अगर मंगल एक तो वैसे ही गुस्से का कारण है, और अगर वो जला हुआ हो, कंबस्ट हो, फिर तो उसका लाइफ सत्यानाश, क्योंकि उसका वो वाला दिमाग हो जाता है जो जिसके पास एक्चुअली मंगल इज पावर। अगर अच्छा होगा तो फिजिकल बॉडी बहुत बढ़िया होगा उसका। मंगल रिप्रेजेंट्स फिजिकल बॉडी, मंगल रिप्रेजेंट्स ऑल द रेड थिंग्स इन योर बॉडी, इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल, इंक्लूडिंग वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो, व्हिच इज कंबाइंड विद मून, बट देन मंगल, बिकॉज ब्लड है रेड है, ऑल द ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग इज मार्स। बीपी, बीपी स्टार्ट्स फ्रॉम सोलर प्लेक्सस। क्यों? क्योंकि पहले पहले जब गुस्सा आता है तो कौन सा चक्र पहले एक्टिवेट होता है? आप सांस लेना शुरू करते हो ना जोर जोर से ऐसे, तो कौन सा चक्र पैल्पिटेशन ज्यादा होता है? पेट, दैट इज सोलर प्लेक्सस, राइट। तो मंगल
एनर्जी सॉरी ट्रिगर करता है कि इसने ये किया, चल शुरू हो जा, तू चाबी देता है वो, उसके बाद वी रिएक्ट, राइट। सो मंगल अगर अच्छा हो तो क्या क्या देता है उसके पास, ही विल बी अ प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट ओनर। हाँ, मंगल गिव्स यूनिफॉर्म वाला जॉब, मिलिट्री, व्हाट डू कॉल, ऑल काइंड्स ऑफ मिलिट्री, नेवी हो या एरोप्लेन वाले हो, कैसे भी हो, एयर स्पेस वाले, सब मंगल देता है। कोई भी यूनिफॉर्म पहनने वाला जो बंदा है वो नौकरी मंगल देता है। ओके, सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज वी आर कंबाइनिंग सोलर प्लेक्सस विद प्लैनेट। अगर आपकी कुंडली में सही ना हो, आपको लाइफ देख के ही पता लग जाएगा। अगर किसी का अपने भाई बंधु के साथ सही नहीं है, इसका मतलब मंगल ठीक नहीं है। अगर किसी को लैंड रिलेटेड बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, मंगल ठीक नहीं है। कुंडली देखने की इतनी जरूरत नहीं है, लाइफ को देखिए और जान लीजिए, अच्छा ये है तो ये है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं आ रहा है, गुस्सा, अनवांटेड गुस्सा आ रहा है। देखो गुस्सा भी अच्छा गुस्सा भी होता है, बेसिकली मार्स रिप्रेजेंट्स एग्रेशन, एग्रेशन चाहिए हमें काम करने के लिए, बट वो अग्रेशन जब ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो अग्रेशन अगर है और वो बार बार गुस्सा कर रहा है, सो दैट इज रॉन्ग, राइट।